हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इनके बालों पे बहुत ही प्यारा सा लेयर कट करने वाली हूँ। मैं नाम नहीं बताऊँगी कि कौन सा लेयर कट करें, क्योंकि हर लेयर कट का टेक्निक अलग होता है। आज की वीडियो में आपको नाम बताना है कि मैं कौन सा कटिंग कर रही हूँ। इससे मुझे ये आइडिया लगेगा कि आप लोगों को कटिंग कितना समझ में आ रहा है, और कटिंग के साथ साथ आप नाम तुरंत समझ पाते हो कि नहीं, कि मैं सच में कौन सा कट कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे तो मैं शुरू में ही बता देती हूँ कि मैं कौन सा कटिंग करूँ, बट आज की वीडियो में मैं नहीं बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हेयर की लेंथ वगैरह आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। हेयर इनके जो है ठीक है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं। तो हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करके सामने की तरफ ऐसे लेके आना, और मैंने इनके हेयर को बस हल्का सा गीला किया हुआ, ताकि जो एग्जैक्ट हेयर क्वालिटी है वो आप लोगों को समझ में आ सके। बट कट होने के बाद इनके बालों पे बहुत अच्छा बाउंस आ जाएगा। तो कान के जस्ट सामने से फर्स्ट सेक्शन डिवाइड करना, फेस को हमेशा सीधा रखेंगे इस कटिंग में, और इस तरीके से बीच वाले सेक्शन को सामने की तरफ लेके आएंगे। और चिन से मैं काफ़ी नीचे ला के कट करी, मतलब अगर इसको हम मेज़र करेंगे तो ये जाएगा शोल्डर के पास से। ठीक है, और साइड वाले हेयर को भी सेम वैसे गाइडलाइन के साथ में ऐसा मिक्स करते हुए बराबर कट कर देना है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि लेजर लेयर और फेदर, इन तीनों कटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुकी हूँ और प्रॉपर करके दिखाई हूँ कि लेजर कैसे किया जाता है, लेयर का जो है कैसे करना रहता है कटिंग, और फेदर का कैसे कट करना रहता है। तो वो वीडियो आप ना चैनल पर स्क्रोल करके देख लीजिएगा, मिल जाएगी। उसके बाद में देखिए, अब हमें क्या करना है, सेकंड लेयर को लेना है और इसे कोम्ब करते हुए सामने की तरफ लेके आना है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग समझ के होंगे कि सामने लाना मीन्स कौन सी कटिंग में होता है, और इसे इस तरीके से गाइडलाइन के साथ में मिक्स करते हुए बराबर कट करेंगे, साथ ही साथ कर देंगे जिग जैग। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट लेयर कट हो चुका है, मतलब जो हमने पहले सेंटर वाला कट किया उसके बाद की जो लेयरिंग स्टार्ट होगी वो होगी हमारी स्टार्टिंग। फिर से इसी तरीके से सेक्शन वाइज हेयर को लेना है, सामने की तरफ लेके आना है। इस कटिंग में ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि स्टेप्स का लुक भी इसमें साथ ही साथ जो है इंक्रीज होते जाता है करने के लिए। तो मैं इसमें लेयर कट डाल रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये जब बैक साइड में आप हेयर को रखोगे तो आपको बहुत ही घना सा स्टेप्स लुक भी दिखेगा। तो यहाँ पर इनके हेयर की लेंथ जो है मैं मीडियम रखने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी ताकि ठीक लगे। देखें लास्ट वाली जो लेंथ गई वो 1 इंच के लगभग ही कट हुआ है, बाकी जब तक आप सामने से थोड़ा शॉर्ट नहीं करोगे तब तक लुक अच्छा नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 लेयर शॉर्ट करके ही कट करना होगा। सेकंड लेयर को आप जो है कान के जस्ट पीछे से लेंगे, पहला कान के सामने, दूसरा कान के पीछे से, और कोम करते हुए इस तरीके से सामने की तरफ लेके आना है। ये देखिए, और गाइडलाइन के साथ में ऐसा मिक्स करते हुए कट कर देंगे। फिर से गाइडलाइन के लिए हेयर को लेंगे, कटिंग करने वाले हेयर के साथ में ऐसा मिक्स करना है। थिकनेस के हिसाब से आप सेक्शन कम ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इनके हेयर पे देखिए फेदर कट डाल रही हूँ। ठीक है, फेदर कट में इतना अच्छा लुक निकल के आता है कि मतलब फ्रंट से तो लेयर ऐड होते ही हैं, लेकिन बैक साइड से इसमें बहुत ही प्यारा सा स्टेप्स लुक भी क्रिएट हो जाता है। सॉरी, मुझे नाम नहीं बताना था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, कोई नहीं, बट बताना भी ज़रूरी है क्योंकि जो लोग न्यू हैं फिर वो लोग जो है समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट मैं कौन सा कट कर रही हूँ। फिर भी आप लोग पूरी वीडियो बिना देखे अगर नाम बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाले हेयर को भी ऐसा लेके आके बराबर कट कर देना। फेदर कट में देखिए हमें क्लाइंट के फेस के सामने खड़े होना होता है, और हेयर को भी फेस की तरफ ही सामने की तरफ हेयर को लाके कट करना होता है। एंड में हमें क्या करना है, हेयर को इस तरीके से एक साथ में उठाना है और हम कर देंगे लेयर मिक्सिंग। मिक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको लेके भी काफ़ी कॉमेंट आते हैं कि क्यों ज़रूरी होता है। मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए आप जो है कटिंग कर रहे हैं और कोमिंग आपकी अच्छे से नहीं हो रही, और आपके हेयर कहीं ना कहीं वो छूट गए हैं, कोम अच्छे से ना करने की वजह से वो आपके प्रॉपर जो है लेयर में नहीं आ पाए हैं ग्रिपिंग में, तो मिक्सिंग के टाइम पे वो निकल के आ जाएंगे बाहर,
और आप उसे इवन कर पाएंगे। देखिए मैं जब अभी कट कर रही थी तो मेरे जो लेयर्स थे वो बिल्कुल बराबर थे, फिर भी मैं ये प्रोसेस हमेशा करती हूँ हर एक कटिंग में। जब स्टेप्स डालती हूँ तो बैक साइड से मिक्सिंग करती हूँ, लेयर डालती हूँ तो फ्रंट साइड से। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो लेयर्स हैं वो इक्वल कट हुए हैं, बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं है। फिर भी मैं इसको एक फिनिशिंग टच हमेशा देती हूँ और आप लोगों को भी बोलती हूँ कि आप लोग जरूर दिया करें। लास्ट में कर देंगे इसमें हम जिग जैग और हमारा जो लेयर कट है वो डन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फेदर लेयर में एकदम सामने की तरफ हेयर को ला के कट करना होता है, बराबर कट करना होता है। अगर आपको लेंथ थोड़ी बचानी है तो आप उसको हल्का सा डाउन करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन जो लेयर कट का एग्जैक्ट लुक जो कटिंग रहता है वो हमें मीडियम जो है हाइट पे रख के करना होता है, और लेजर कट में हमें शोल्डर से थोड़ा सा टच करते हुए एंड में हमें करना है साइड बैंग्स हेयर कट। तो उसके लिए बीचों बीच से हेयर को लेना है और इसे मैं चिन के पास से ला के पहले कट करूंगी। अच्छा, साइड बैंग्स हेयर कट में ना कई सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें क्या तिरछा कट करना होता है क्या? नहीं, जब भी आप फ्रंट हेयर कट करोगे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट कट करोगे, ऊपर की तरफ ले जाने के बाद भी आपको बराबर बराबर ही ट्रिम करना होगा, लास्ट में जो है जिग जैग करना होगा। तो अगर आप बीच से कट करते हो, बराबर कट करते हो, तो देखिए साइड में जब ये हेयर को रखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ही बहुत प्यारा लुक आएगा। और जैसे चाहे वैसे रखें, चाहे वो लेफ्ट रखें राइट रखें, हर तरीके से अच्छा लगेगा। लेकिन पर्टिकुलर आप एक साइड में ले जाके उसको तिरछा कट कर दोगे ना, तो वो सिर्फ उसी तरफ अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो दूसरी तरफ अपने हेयर को कोम करेंगे तो उधर वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं दिखेगा। इसके लिए हमेशा फ्रंट पे रख के बराबर से ही कट करना होता है। तो यहाँ पे फाइनल लुक आप लोग देख ही सकते हैं, कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सामने से हेयर कट हुआ लेकिन बैक साइड से भी इसमें बहुत अच्छा हैवी लुक निकल के आ गया है। आप चाहें तो इसके साथ में इसमें स्टेप्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। देखिए मैं अच्छे से कोम करके फिंगर चला के दिखा रही हूँ ताकि प्रॉपर लुक समझ में आ सके। ये देखिए, तो फेदर कट में ना ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि बैक साइड में भी ना एकदम घने घने से स्टेप्स जो है क्रिएट होते चले जाते हैं। तो ये हो गया है कंप्लीट, लेंथ भी इनकी देखिए मेंटेन है और कट भी अच्छे से डन हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और हाँ गाइज, मैंने एक न्यू इंस्टा आईडी बनाई हुई, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर फॉलो करें। न्यू आईडी मैं इसलिए बनाई हूँ क्योंकि जो मेरा पहला आईडी है ना उसमें फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, पता नहीं उसमें क्या ग्लिच है क्या प्रॉब्लम है कि वो उतने से आगे बढ़ता ही नहीं है। इस वजह से मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट की हूँ, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को ध्यान से देखो और सीखो, उसके बाद में प्रैक्टिस करना और कटिंग का जो भी लुक आपका निकल के आता है उसका पिक मुझे इंस्टा पे जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए ये पोनी भी कर लेंगी ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इनके बालों पे बहुत लाइट सा ब्लो ड्राई की हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेन मुझे आप लोगों को हेयर कट दिखाना रहता है। और ब्लो ड्राई हल्का सा इसलिए कर देती हूँ ताकि जो एग्जैक्ट मैं इसमें स्टेप्स डाली हूँ या लेयर्स डाली हूँ वो देख सके। चलिए फिर कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, बाय एवरीवन। और हाँ, इसके बाद आप लोगों को एक लॉन्ग टू शॉर्ट बॉब हेयर कट की भी वीडियो मिलने वाली है, उसमें मैं कुछ हेयर कट से रिलेटेड बहुत ही बारीकियाँ समझाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोग कटिंग में मिस्टेक करते हैं। तो उस वीडियो का वेट करिए, हो सकेगा तो आपको शाम तक ही मिल जाएगी या फिर कल मिलेगी। बाय गाइज़।